देर लगी आने में तुमको शुक्र है फिर भी आए तो। सो आ गए हो तो चलो शुरू करते हैं। हे व्हाट्सअप गाइस, मायसेल्फ अनुराग, आपका होस्ट और दोस्त। सो द एनआर शो की इस नई ब्रॉडकास्ट अनसीन प्लेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे वाराणसी एक दिन में कैसे घूमें और वो भी कम पैसों में। तो कैसे घूम सकते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप ट्रेन पकड़ के सीधे पहुंचे वाराणसी जंक्शन, बाबा विश्वनाथ की नगरी। ऐसे में होता यूँ है कि आप कहीं घूमने गए हैं और आप घर आके पता चलता है कि यार ये स्थान तो मैंने देखा ही नहीं, तो दिल से बुरा लगता है भाई। आप दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हैं। मैं गाइड करूं और कोई भी स्थान छूट जाए, ऐसा असंभव असंभव। सो चलो शुरू करते हैं। सुबह सुबह वाराणसी जंक्शन पहुंचने के बाद सीधे वहां से ऑटो पकड़ो जो कि 50 से 60 रुपए लेगा। और पर ऑटो लेकर के जब आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले आप गंगा जी में स्नान करें, अपने पाप वगैरह धो लें जो किया है अभी तक आपने, और फिर निकल पड़े काशी विश्वनाथ यानी बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहले आप लाइन में लगेंगे। और हाँ, मोबाइल वगैरह सब बाहर जमा करके रख जाना, नहीं तो अंदर ना ले जाने देंगे। सो वहां पर प्रसाद लेकर आप दर्शन करने के लिए अंदर लाइन लगे, और फिर दर्शन करने के बाद आप वहां से निकले। लगभग 3 बज चुके होंगे तब तक। फिर 3 बजे से आप पहुंचे, सभी घाटों का एक्सप्लोर करते हुए दामेश्वर घाट और फिर मणिकर्णिका का घाट से होते हुए सभी घाटों को 80 घाटों तक एक्सप्लोर करें। फिर हाँ, 7 बजे तक याद रखना, विश्व प्रसिद्ध आरती होती है हमारे दामेश्वर घाट में। मैं आपको उस घाट की एक झलक दिखाता हूँ। स्वरम भवाभितारकम परम नीलकंठमिप्सितार्थदायकम दृढ़ोचनम कालकारम अम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। ढलती शाम के साथ यहाँ का नज़ारा ही बहुत ही मनमोहक होता है। अगर आप यहाँ पे आए हैं तो नाव में बैठ करके काशी के उन सभी घाटों को एक्सप्लोर जरूर करें। यहाँ का दृश्य बहुत ही मार्मिक है और बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, यहाँ पर विदेशी लोग भी आते हैं तो उन्हें हिंदी में गालियाँ मत सिखाने लगना। फिर आप 7 बजे जा करके सबसे पहले अपने दामेश्वर घाट पर अपनी सीट बुक कर लेना, चूँकि वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। अगर नाव में बैठ कर देखना चाहते हो तो ये बहुत अलग अनुभव देता है आपको। अपने टखनों में दर्द लिए हुए कुछ नाश्ता पानी करके सीधे ऑटो पकड़ो और निकल पड़ो वाराणसी जंक्शन के लिए। वाराणसी जंक्शन पहुंचने के बाद आप वहां से अपनी ट्रेन लो और अपने घर के लिए निकल पड़ो। हाँ, घर पहुंच के स्टेटस जरूर लगाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, नहीं तो यात्रा पूरी ना होगी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो यार, ताकि उनके मन में भी विचार बने घूमने का और वो भी जाएं, नहीं तो साथ में कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता, अकेले कहाँ कहाँ घूमोगे। मिलते हैं, बाय बाय।